मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगभग पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया है। किराना स्टोर, सब्जियों की दुकान, दूध की दुकानों को खुलने का समय निर्धारित किया गया है और मुंब्रा में सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दूध, सब्जी, किराना स्टोर खुलने का समय दिया गया है। इस दौरान लोग एक बार फिर अब राशन लेने के लिए लाइन में लगे हुए दिखाई दिए, मगर वहीं रोज कमाने खाने वाले परिवारों पर इसका असर ज़्यादा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, कोतमीर का भाव डबल करके सब्जी विक्रेता बेच रहे हैं, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग अब शुरू हो गई है। मुंब्रा मार्केट में सब्जी बेचने वालों और महिलाओं के बीच में झड़प होने की भी खबरें सामने आई है। हालांकि ठीक 11 बजे पहुंचकर पुलिस ने शहर में खुली हुई दुकानों को बंद करवा दिया, मगर वही महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से लोग दुकानें बंद करवाने आते हैं उसी तरह से अगर कोई दुकानदार सामान महंगा बेच रहा है तो उसके लिए कोई क्यों नहीं आता है। डबल महंगाई का मार झेल रही महिलाओं के आंखों से आंसू आ गए। दरअसल कोरोना वायरस एक बड़ा ही खतरनाक वायरस साबित होते जा रहा है और महाराष्ट्र में इसकी संख्या बढ़कर 117 तक पहुंच गई है। एहतियात के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल तक कर्फ्यू का ऐलान किया है और इस कर्फ्यू के दौरान किस तरह से सब्जियों के भाव डबल करके बेचे जा रहे हैं और महिलाओं ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। सभी सब्जियों के भाव बढ़ गए, सभी के भाव बढ़ा दिए, पैसा भी नहीं, खाली 50 सोचा होगा क्या करेगा हम लोग। देखो ये देखो ज्यादा पैसा ले रहे हैं, काहे का पैसा किधर से खाएगा, किधर से भरेगा हम लोग। सही बात है ना, पानी नहीं, काम नहीं तो क्या करेगा, इतना महंगा पड़ा है क्या, गरीब आदमी का 50 रुपए किलो का क्या खाएंगे, कितने रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए खाएंगे, कैसे खाएंगे, पब्लिक को राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं है, कुछ नहीं पैसा गरीब इंसान, राशन राशन भी नहीं मिल रहा ना, क्या होगा ला के देंगे पब्लिक को। नहीं, खबर ये आ रही कि जो सब्जी वाले हैं इन लोग काफी ज्यादा महंगा बेच रहे थे और महिलाओं से झड़प भी हुई है। एक लोग बोले अंडा जो है 70 रुपया मिल रही है, हाँ अंडा जो है 70 रुपया है और नमक का पैकेट 15 रुपए, एक नमक जो है 10 रुपए, उधर है 20 रुपए का नमक, 60 रुपए किलो आलू किधर है, 60 रुपए किलो कांदा किधर है, बड़ा टमाटर 40 रुपए किलो, सड़े में टमाटर, सड़े में टमाटर नहीं इंसान खाएगा, नई बीमारी लग रही, बीमारी लग जाएंगे लोग। और अभी मेरे भेन ने बोली बोले इतना तो उसको 30 रुपये दिया, 30 रुपये में दिया बोलो। अरे 50 रुपये किलो बटाटे बेच रहे थे, मैंने मांगी 30 रुपये में, तो तू नहीं दिया, मैंने पहले 1 मिनट तो पटाखे दे दिया 30 रुपये किलो। अरे किसने उसे किया, बेटा क्या खाएंगे बोलो, ये पिला दी जाती है।
आज से गुजारिश है, बिना जरूरत अपने घर से ना उतरे। अगर आपको घर से कोई अर्जेंट काम के लिए उतरना ही है, अरे ये भी तो ऐलान करो ना, ज्यादा भाव ले रहा है, ऐलान करो ना भाई, ये भी ऐलान करो ना, ये भी ऐलान। भाई भाई एक मिनट, देखिए एक पहली बात सुन लीजिए भाई, वो महंगाई का हम लोग क्या, हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस करना है, अपने अपने घरों में रहो। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंशाल्लाह करेगी, जब मीटिंग होगी तो आप जाके तमाम लोग, मुझे मत बोलिए, मैं आपको अवेयर करने आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, मैं अपना खुद का काम निकाल के आया हूँ, मैं खुद आपके साथ लोकल लड़का हूँ, मुझे मत टूट पड़िए, मैं गवर्नमेंट का अप्लायर नहीं हूँ, मैं खुद ये चीज करने आया कि आप लोग अपने घरों में जाइए, मुमरा पुलिस का सहयोग करिए, आप मुझे मत, मैं भागी तरकारी वाला नहीं हूँ। मगर वही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का समय दिया गया है। हालांकि दुकान रोज 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगे, सिर्फ सब्जी किराना स्टोर दूध की दुकानें ही खुली रहेंगी, मगर अब डबल कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है जनता को। मगर देश को भी कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक असर पड़ रहा है और सरकार जो भी कदम उठा रही है वो भारत के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।